हैं जीवन बिहार। आज हम गोपालगंज जिला के उस इतिहास को दिखाने जा रहे हैं दर्शकों को। गोपालगंज जिला के हथुआ राज की इतिहास को हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। और ये है मुख्य द्वार जो राजा के आने और जाने का प्रवेश द्वार हुआ करता था। प्राचीन में ये पर्यटक स्थल है और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। और सभी दर्शकों को हम कहेंगे कि आप कभी गोपालगंज प्रवेश करें तो हथुआ राज जरूर आप घूमने एक बार आइए। बहुत घूमने की रोचक जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। अब हम आपको अंदर की सारी ऐतिहासिक स्थलें हम आपको दिखाएंगे। अब हम दर्शकों को वह स्थान दिखाने जा रहे हैं जहां पर भंडार घर हुआ करता था राजा साहब का। यही वो महल है जहां पर मंदिर के पूजा स्थलीय कार्यक्रम ख़त्म करने के बाद भंडार लगाया जाता था। और आज भी वो जो है कार्यक्रम शुरू है। यहां के जो पुजारी लोग हैं उसी रीति और रिवाज को आज भी पालन कर रहे हैं। आज भी यहां भंडार घर ही बना हुआ है। तो हम यहां पर हैं, एक हमारे सामने पुजारी जी हैं, उनसे हम कुछ बात करेंगे। जी थोड़ा सा आप मेरे दर्शकों को बताएं कि ये जो महल है यहाँ पर राजा साहब के जमाने में क्या हुआ करता था। यहाँ राजा साहब की जो यहाँ पर हथुआ राजा साहब की जो माता जी जिस महल को हमने अभी दिखाया वो वहाँ पर, क्योंकि उनके लिए भोजन बनता था और यहाँ पर अन्य जो पूजा करने लोग थे उनके माध्यम से यहाँ भंडार लगता था, भोजन तैयार होता था। हजारों की संख्या में भी लोग हो सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में हो सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में भी लगभग रिवाज वही लागू है। इस महल के अंदर जो है प्रेजेंट टाइम में भी भोजन का भंडार घर ही रखा गया है। और आज भी पूजा स्थलीय करने वाले का भोजन भंडार घर यही है, जबकि पुजारी जी जो है अभी हमारे सामने जो है उसी कार्य में लगे हुए हैं। अब हम आपको वो जगह दिखाने जा रहे हैं राजा साहब के द्वारा यहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय 1880 हथुआ राज के द्वारा निर्माण कराया गया था। यह विद्यालय जो है आज भी वर्तमान में संचालन के रूप में है, जनता के लिए जो है यह संचालित है, किंतु इसका जो निर्माण है वो राजा साहब के द्वारा ही कराया गया था। और स्पष्ट लिखा गया है संस्कृत महाविद्यालय स्थापना 1880 हथुआ। राजा साहब के समय में इसका निर्माण किया गया था। और जिस समय यह निर्माण किया गया था भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिताजी हथुआ राजा के मुंशी हुआ करते थे, जो राजस्व भूमि के जो है देख रेख उन पर था। और इसी विद्यालय के अंदर राजेंद्र बाबू की भी शिक्षा दीक्षा हुई है। और ऐसे तो बहुत जगह पर हुई है लेकिन प्रारंभ जो है इसी जगह से शुरुआत था। आपको जो है राजा साहब के उस स्थान को दिखाने जा रहे हैं जहां पर रानी साहिबा कभी कभार आती थी तो निवास करती थी। और इसमें जो है हमें मदद करने के लिए इस स्थान पर एक युवा हैं, क्या नाम हुआ आपका, सौरभ जी जो हैं, बारीकियों से आप लोगों को सब चीज़ दिखाएंगे। सौरभ जी थोड़ा सा अंदर बैठे, नीचे से बहुत मैं नीचे से पहले देखा जाए अभी भी जो मकान है उतना जर्जर नहीं हुई है, पूरा अंधकार है। और सौरभ जी हमारे साथ हैं अभी। सौरभ जी ये आंगन हुआ, रानी साहिबा पहले लोग घर बनाते थे तो आंगन रखते ही थे, तो ये आंगन हुआ। और यहाँ पर सब लोग आते थे घूमने फिरने और कभी कभार हो सकता था खेल कूद के मूड से बैठते भी होंगे। अभी पूरे शहर जंगल है लेकिन दीवारें जस की तस है और लगभग सब चीज़ जर्जर उतना नहीं हुआ है, देखने में उतना नहीं है,
थोड़ा ऊपर भी हमको ले लीजिए, इसको भी चलिए, कोई बात नहीं। बलिंदर जी एक दो तीन चालू है? हाँ चालू है। ये वो रास्ता है जो ऊपर जाया जा सकता है, जंगल है, लेकिन हम दर्शकों को जो है हथुआ राज की एक एक चीज बहुत बारीकियों से हम दिखाएंगे। ये निवास स्थान का जो है कुछ भाग जो है पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है और जंगल हो चुका है क्योंकि बहुत पुराना है। और ये ऊपर में हम लोग अभी जा रहे हैं, रानी साहबा जहाँ विश्राम करती थी, अभी हमारे साथ मौजूद है सौरभ जी जो हर चीज बारीकियों से दिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं, आप दर्शकों तक इनका संदेश जा रहा है और जी न्यूज के द्वारा जो है इनको धन्यवाद दिया जा रहा है। ये दीवारें हैं इतनी मोटी मोटी, मुझे लगता है कि 25 फीट 30 फीट का ये है, 25 इंच का, 1, 2, 3, 4 इतनी मोटी मोटी दीवारें अब तो नहीं बनती है, लेकिन पहले से राजा के जमाने में बनाती है। क्या था सौरभ जी जब उस समय था, तो कुछ जानकारी है क्या? हाँ हाँ, ये घर से जो राजा साहब के नहीं होता, महल महल बना बना के, हाँ वो रखते थे लोग, तो मतलब एक भाग था महल का। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे मैं और भी है पुरानी किला तो वहाँ पे। अच्छा, एक इसके अलावा भी किला है राजा साहब का। तो हम लोग चढ़े हैं उस सीढ़ी से और एक दूसरे जो है सीढ़ी है जिससे उतरेंगे। हाँ हाँ हाँ, और भी है पीछे भी है। पीछे क्या है? पीछे भी है ऐसा भी, मतलब जो सीढ़ी होता है। चलिए वो जलेबी सीढ़ी है उधर, चलिए जलेबिया सीढ़ी। हाँ, किधर से रास्ता आइए। अब हम आप लोगों को दिखाएंगे जलेबिया सीढ़ी, शायद नाम भी आप लोग नहीं सुने, पहली बार सुन रहे हैं। जलेबिया सीढ़ी जी इस महल के अंदर है। लेने दीजिए बढ़िया इसका फोटो। ये वही सुरंग है जहाँ से रानी साहिबा स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश करती थी। थोड़ा सा कैमरामैन करीब लाइए। अभी सुरंग की जो रास्ता है वो पूरी तरह से भर चुकी है, इसी सुरंग के रास्ते वो स्नान करने जाती थी और स्नान करके आती थी। अब हम आपको वो जगह दिखाएंगे जहाँ पर वो स्नान करती थी रानी साहिबा। अब हम आपको वो चीज़ दिखाने जा रहे हैं जहाँ रानी साहबा जिस तालाब में स्नान करती थी, और ये जो है इस तालाब का प्रवेश द्वार था उस समय में, इसी रास्ते से वो रानी साहबा प्रवेश करती थी। अभी वर्तमान में पूरी पानी लगी हुई है, तालाब का पानी भरा हुआ है जो कि, लेकिन उस समय में ये प्रवेश द्वार था जिस समय में रानी साहबा स्नान करती थी। ये तमाम जो है तालाब की सीन है। अब हम हथुआ राजा के मंदिर प्रवेश के अंदर पहुंचे हैं। यहाँ एक पुजारी जी हैं जो काफ़ी कोऑपरेशन दे रहे हैं मुझे, और मैं अपने आप को धन्यवाद समझता हूँ और सभी लोगों को देते हैं। और इन्हीं से यहाँ के प्राचीन इतिहास के बारे में आप दर्शकों को दिखाएंगे और बताएंगे, और सब कुछ जो है बारीकियों से आपको दिखाएंगे आज हथुआ राजा के प्राचीन इतिहास के बारे में। जी गुरुजी, आपको हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को जो यहाँ की प्राचीन सभ्यता है उसको थोड़ा सा बारीकियों से दिखाया जाए, जिसकी उम्मीद लेकर हम आपके पास आए। देखिए, हथुआ राज के द्वारा स्थापित गोपाल मंदिर 1850 जी, और उस समय महारानी श्याम सुंदरी कुंवर थी जी, इन्होंने इस मंदिर की स्थापना कराई जी 1850 में जी। इस मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी लगभग उस समय 4.5 लाख चांदी के सिक्के खर्च हुए थे जी, और वर्तमान में इसकी वैल्यू 55 करोड़ रुपए आती जा रही है। आज के डेट में 55 करोड़ रुपए आती जा रही है जी। और मंदिर की जो भी रख रखाव सारी व्यवस्थाएँ यहाँ होती हैं वो हथुआ राज के द्वारा ही संपादित की है। प्रश्न में है ये खर्च द्वारा ही नहीं करता है, यहाँ जो भी कर्मचारी हैं लाइट है सारी व्यवस्था जो भी व्यवस्था है, आप होते हैं पर्व त्यौहार होते हैं
क्योंकि सारी व्यवस्था हथवारा के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। हम साफ में देखा तो देखिए सामने ठाकुर जी का ठाकुर जी की सभा है जी। ठाकुर जी की सभा कक्ष हम आप लोगों को दिखाएंगे दर्शकों को। और ये जो सभा कक्ष है चौसा रखा हुआ है, यहाँ पर चौसा रखा हुआ है महाभारत काल में चौसा हुआ करता था। जो महाभारत काल में आप लोगों ने देखा होगा कि शकुनी जी इस चौसा के खिलाड़ी बहुत प्राचीन थे और बहुत प्रसिद्ध थे। और भाग्यशाली हैं हम जो इस स्थान पर पहुंचे हैं और गुरु जी की मदद से मुझे चौसा छूने की मौका मिली कम से कम। तो ये ठाकुर जी का चौसा है और ठाकुर जी की जो अभी स्थान है वो भी हम आप दर्शकों को दिखाएंगे जी। गुरु जी दिखाएं और दिखाए ग्लास दिखाए। ये ग्लास जो है बेल्जियम से बना हुआ मंदिर के प्रतिष्ठा कल का ग्लास है जी। ये ग्लास जो है ये प्राचीन है और प्राचीन जो ग्लास है ये आज भी जो है इसकी खूबसूरती बरकरार है जस की तस है। और कभी आप लोग भी आते हैं तो गुरु जी का मदद ले और बहुत अच्छे हैं प्रसन्न तो मंदिर का जो है। ये मुख्य द्वार है ठाकुर जी गोपाल जी का गर्भगृह द्वार हुआ और यह स्थान हुआ। और ये ऑल जो है चांदी का बना हुआ है, पूरा गेट जो है चांदी का ही है, पूरा चांदी का गेट है और सिंहासन भी चांदी का ही है। और ये भी जो है राजा साहब के समय काल का ही है। कब निर्माण हुआ था? 1850 में इसका निर्माण हुआ। और ये रहा भगवान का सैन्य कक्ष। ये भगवान का सैन्य कक्ष जहाँ पर संध्या कितने बजे? 8 बजे आरती होती है, सैन्य आरती होती है। सैन्य आरती के बाद छोटी प्रतिभा ठाकुर जी की जी बुला के यहाँ सैन कराई जाती है। और सुबह फिर सुबह 4:30 बजे जागरण होता है और जागरण जब होती है तो प्रतिमा को ला के बुलाया जाता है, सारे संस्कार किए जाते हैं, स्नान ध्यान पूजन पाठ सब बात की जाती है विधवा है ना प्रतिदिन का ही कार्य। ये रंग है हाँ ये हर दिवस का अलग अलग आज रविवार सात कलर है तो ऐसे सातों दिन में कौन से आज रविवार है, रविवार को गुलाबी लगा जी, सोमवार को पीला हो जाए जी, मंगलवार को लाल श्रृंगार हुआ तो लाल गुट लग जाएगा जी, बुधवार को हरा श्रृंगार हुआ हरा गुट लग जाएगा जी, गुरुवार को पीला श्रृंगार हुआ पीला गुट लग जाएगा जी, शुक्रवार को नीला श्रृंगार नीला गुट लग जाएगा, शनिवार को काला श्रृंगार काला गुट लग जाएगा। तो गुरु जी एक जानकारी और मुझे दीजिए कि रानी का जो विश्राम कक्ष कहाँ है? वो तो अपने आवास में रहते हैं लोग, मतलब इस कंपाउंड से बाहर अच्छा। यहाँ पर जो है कि राजा साहब की ऐतिहासिक स्थली क्या क्या है? यहाँ पे आपको दर्शनी के लिए आप क्या कहते हैं पुरानी किला है, पुरानी किला है जी, पुरानी किला शीश महल है, छोटी महल है। शीश महल की तरफ आपको यहाँ से सीधे मार्केट से पुराना चिट बन जहाँ था वहाँ पे शीश महल होगा, पूरा नया पैलेस आपको गुप्तेश्वर कॉलेज के पास है, हमारे यहाँ वर्तमान भी आप गुरु जी आप मेरे जी न्यूज के जो भी दर्शक हैं आपको देख रहे हैं आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश ये दूंगा जब कभी भी आए अपने जिले में जो ऐतिहासिक मंदिर है आए ठाकुर जी के दर्शन पाए और उनका अनुग्रह प्राप्त करें। अपना एक परिचय बता दिया जाए हमारे जी। मेरा नाम हुआ आशुतोष तिवारी, मैं हथुआ राज के द्वारा नियोजित गोपाल मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ। आशुतोष जी जो है इस गोपाल मंदिर का मुख्य पुजारी हैं और तमाम दर्शकों को मैं कहूँगा कि जब भी आप लोग यहाँ आते हैं तो एक बार गुरु जी का दर्शन करें, बहुत अच्छे लोग हैं। और किसी भी तरह का सुविधा अगर आपको महसूस हो रहा है तो डायरेक्ट आप जो है गोपाल जी से मिले और आपको हर तरह की सुविधाएँ प्राप्त कराएंगे, बहुत ही नेक लोग हैं, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पर आपको आने के लिए, किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। जब भी आए तो कम से कम एक बार गुरु जी से जरूर मिले इसकी कामना हम करते हैं। धन्यवाद।